हम लंबे छोले बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद माय रेसिपी। हम छोलों से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए भी इन चीज़ों की जरूरत है। हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून ऑफ गर्म मसाला, हाफ टेबल स्पून ऑफ सूखा धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून ऑफ अमचूर पाउडर, 1 टेबल स्पून चना मसाला, जीरा, अनियन को हमने पतले स्लाइसेस में कट कर लिए, 2 ग्रीन चिलीज, 1 बाउल चना, ये 250 ग्राम्स। हम गैस ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया, ऑयल को हम गर्म कर लेते हैं। ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जीरा डालेंगे, जीरे को भून लेंगे। हमारा जीरा भून गया है, अब इसमें हम सारे स्पाइसी ऐड करेंगे, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सूखा धनिया, अमचूर, चना मसाला। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला भून जाएगा, हम इसमें चने ऐड करेंगे। अब हम चनों को मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे और उसमें ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, अनियंस ऐड करेंगे। अगर आप सूखे छोले चाहते हैं तो सूखे रखें, ग्रेवी के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। छोले अब रेडी हो चुके हैं। मैदे का डो रेडी कर लिया हमने। कतलम्बे बनाने से 6 से 7 घंटे पहले हमने मैदे का डो रेडी करना है। मैदे में सिंपल नमक डालकर हमने भून के रख लिया। ये सिंपल मैदा, डालडा ऑयल लेना है हमने। पैन में हमने कतलम्बा फ्राई करने के लिए ऑयल ले लिया। हमें इसमें डालडा ऑयल ही लेना है, रिफाइंड ऑयल या देसी घी कुछ भी नहीं लेना। इसको हम गर्म कर लेते हैं। जब तक हम कतलम्बा बेलेंगे तब तक हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा मैदा लेते हैं, इसे बेल लेंगे। अब हम इस पर डालडा ऑयल लगाएंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे, इसे फोल्ड करेंगे। अब हम इसे फिंगर्स पर रोल करेंगे, हाथ से दबाकर। अब सूखा मैदा लगाएंगे और इसे बेल लेंगे। अब सेम प्रोसीजर दोबारा करना है। फिर से इस पर थोड़ा सा डालडा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर। अब इसे फोल्ड करेंगे। फिर से इसे फिंगर पर रोल करेंगे हम। ऐसे इसे अच्छे से प्रेस करना है, सूखा मैदा लगाकर। फिर इसे बेल लेंगे। इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा बेलना है इसे, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना और पतला नहीं करना इसे, वरना ये बहुत ज़्यादा सूख जाता है फ्राई करते हुए। हमारा कतलम्बा रेडी हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है,
हम इसमें बस लंबे को डाल देंगे। अब एक हाथ में पलटा लेना है और एक हाथ में चिमटा, इसे अच्छे से रोल करेंगे। इसे फ्राई करते हुए आंच हमने तेज पर ही रखनी है। हमारा कचलंबा दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया, अब हम इसे निकाल लें। और इसे निकाल कर हमें नीचे से थोड़ा सा पलटे से ऐसे मारना है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। अब हम इसे निकाल कर साइड में एक प्लेट में रख लेंगे। हमारा कतलंबा रेडी हो चुका है, अभी भी इसे छोले के साथ सर्व करेंगे। हमारी डिश रेडी है, होप आप भी इसे ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल